नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर पुलिस की फिरौती मांगने वाले बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, इस मुठभेड़ में दोनों लोगों के पैर में लगी गोली। आपको बताते चलें कि ललितपुर जिले में एक बार फिर से फिरौती मांगने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मामला जनपद ललितपुर की चौकी राजघाट क्षेत्र के ग्राम चौरसील का है, जहाँ पर बदमाशों एवं पुलिस के बीच गोलियां चलने की गूंज सुनाई दी। ललितपुर पुलिस ने दावा किया कि ये दोनों वही बदमाश हैं जिन्होंने ललितपुर शहर के गोविंद नगर निवासी डॉक्टर विनोद साहू से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। रकम न मिलने पर उनके बेटे व उनके परिवार को जान से खत्म करने की बात कही थी, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ था। कर ले तेरे को जो करना वो कर ले, तेरे को जितना बोला ना उतना कर, 20 लाख का इंतजाम कर ले, अरे ठीक है, वरना तेरी और तेरे बच्चों की मौत निश्चित है। अबे साले कौन बोल रहा है तुम, कौन बोल रहे तुम, तेरी मौत पक्की है, रुक जा, तेरे पे फायर करना पड़ेगा, जब भी मानेगा तू रिपोर्टिंग करके पुलिस स्टेशन में भेजेगा। विष्णु को ट्यूटर बोल ले रहा हूँ उसका मैं। ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि डॉक्टर विनोद साहू के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, इसके बाद से ललितपुर पुलिस चौकन्नी थी एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। आज चेकिंग के दौरान चौकी राजघाट क्षेत्र के ग्राम चौरसील में अचानक मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश के पैर में गोली लग जाने के कारण वह घायल हो गए। ललितपुर पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों में एक शिवम परियार एवं दूसरे का नाम दिनेश साहू बताया गया है। दोनों ही को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उनसे आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि ललितपुर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इसमें और भी लोगों के होने की संभावना है। तो वही पुलिस अधीक्षक ने टीम में शामिल पुलिस कर्मी का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देने की बात कही है। गोली किस कारण लगी आपको? उसका नाम क्या है? उसको किसको धमकी दी थी आपने? डॉक्टर साहब को दी थी। तो क्या भाग रहे थे क्या आप वहाँ से? दारू के नशे में दी थी, अब इनने ले जाके गोली मार दी। नहीं, तुमने किसने ले जाके गोली मार दी? मेरे को पता नहीं। तुमने किसने गोली मारी? मैंने पैसों के लिए, पैसे। किसने मारी थी? डॉक्टर हमारा नाम भगवान दास साहू है। अच्छा, गोली लगी है, किसको लगी है? वो हमारे छोटे भाई हैं। क्या हो गया था उन्हें? वो पुलिस उठा ले गई थी साहब, हमें नहीं जानकारी, कल रात के भाई 12-1 बजे परसों रात के उठा ले गई थी। दो दिन हो गए हमें, तो हम तो ढूंढते ही फिर रहे सब जगह के काके, तो हमें मिले ही नहीं। अभी अबे मिली तो इतने अस्पताल में खोज भी आए कि जी कित काके गोली लगी मिली, उतर पड़े हैं, पुलिस मिलन नहीं दे रही। हम गए उतर तो उन हमें भगा दो। जी बताएं क्या नाम है, जो घायल हैं गोली लगी है, कौन है आपके? सर मेरा नाम सुभाष साहू है, वो हमारे चाचा हैं। और सर क्या हुआ कि हम यहाँ इस तरह के इस मतलब से आए, हमारा पेट दर्द हो रहा था इमरजेंसी में, तो इस वजह से आज दवाई करवाने के लिए अपने पड़े हैं। यहाँ आकर देखा तो चाचा बेड पर बैठे हुए हैं और हम लोग कोतवाली के चक्कर काट कर परेशान है। वो तो बोलो जाते तो कुछ नहीं बताते कि कहाँ पर हैं चाचा, कुछ नहीं। सर क्या हुआ, पनाड़ी से वो ले गए थे कोतवाली पूछताछ के लिए, पड़ गए उन नहीं। सुबह से हम लोग पड़े जा रहे हैं कि चाचा हैं कहाँ पर, कोई कुछ नहीं बता रहा सर। जानकारी नहीं ली आपने कहीं? सर लिए पुलिस वालों से, पापा ने पूछा है, सब लोग फिर रहे, कुछ नहीं बता रहा कौन कहाँ कैसा है। यहाँ तक कि सुबह नाश्ता देने के लिए गए थे तो वहाँ ये तक उनने उड़ते कि चौकी है तो चौकी गए, लाइक पुलिस लाइन है तो वहाँ भी गए सर, वहाँ भी पता नहीं चला। आपको कैसे पता लगा? सर हमारा पेट दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो पापा हमारे लिए इमरजेंसी में लेकर आए कि चलो तुम्हारी वहाँ करवा देते हैं दवाई, और यहाँ आकर देखा तो ये यहाँ ये हो रहा था, चाचा को गोली लगी हुई है। मिलन ही नहीं दे रहा है। देखिए अभी शाम को चेकिंग चल रही थी, उसी में जो है पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो लोग जो है उनको गोली लगी है, जिसमें एक का नाम शिवम परिहार है और दूसरे का नाम जो है दिनेश साहू है।
इनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जो है फायर किया गया था। जब अभी कार्रवाई में इनको जो है इन दोनों बदमाशों को जो है गोली लगी है। जो इनसे शुरुआती पूछताछ जो हुई है उसमें पता ये चला है कि हमारे ललितपुर जनपद के जो है विनोद साहू जी हैं, डॉक्टर साहब, उनके पास फोन करके इनके द्वारा जो है 20 लाख की फिरौती की रकम जो है वो मांगी गई थी। और उसी प्रकरण में जो है इनके द्वारा बताया गया था कि हम तुम्हारे बेटे को भी मार देंगे। जैसे ही ये जानकारी मिली थी तो हमारी टीमें जो है लगातार काम कर रही थी, सभी जगहों पर चेकिंग अभियान जो है वो चल रहा था। तो आज इसमें जो है दोनों अभियुक्त जो है उनको अरेस्ट किया गया है। इनके पास से मोटरसाइकिल, दो तमंचे बरामद जो है वो हुए हैं। अभी इनको तत्काल इलाज के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे भेजा गया है। इनसे आगे की जो पूछताछ जो है वो की जा रही है कि इससे पूरे इनका जो यह कार्य किया गया था इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे इस तरीके की वारदात करने में, उन सबके खिलाफ जो है ललितपुर पुलिस के द्वारा कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सर, कोई गैंग से जुड़े हुए हैं सेल्फी? अभी इनिशियली जो पता चला है कि इसमें जो दिनेश साहू हैं वो डॉक्टर साहब के उनके परिचित हैं, उनके जो घर के आसपास उनका भी घर है। तो इसमें अभी तक की जो जानकारी है उसमें और भी कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिनको हम लोग तस्दीक कर रहे हैं, और तस्दीक करके उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई इसमें करेंगे। बड़ी घटना है, इसमें हमारी जो एक चूंकि बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था, इसमें जो है पूरी टीम को 25,000 रुपए का जो है नगद इनाम भी और प्रशस्ति पत्र जो है वो भी इनको दिया जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।